हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको BCCI ट्रायल की अपडेट बताऊंगा। BCCI ने जिस डेट की ट्रायल डेट अनाउंस की है, उसका ट्रायल वेन्यू, ट्रायल डेट और एज कैटेगरी क्या रहने वाली है, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, इससे पहले BCCI ने कई स्टेट में ट्रायल डेट अनाउंस की है, जिस पर मैंने वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहो तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में जिस स्टेट की ट्रायल डेट मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है नागालैंड का ट्रायल। दोस्तों, BCCI ने नागालैंड के सभी एज कैटेगरी के ट्रायल डेट अनाउंस कर दी है। तो आज आपको अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 और अंडर 23 वो की ट्रायल डेट पता चलेगी। और दोस्तों, ट्रायल डेट बताने से पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों मेंस अंडर 16 के ट्रायल 19 से लेकर 21 जुलाई को होने थे, जिनमें से 19 और 20 जुलाई की डेट तो निकल चुकी है। पर दोस्तों, आपके पास अभी भी एक मौका है, 21 जुलाई को आप ये ट्रायल दे सकते हैं। तो वीडियो लेट बनाने के लिए एक बार फिर से सॉरी। और इसके अलावा अंडर 19, अंडर 23 और अंडर 23 वो के ट्रायल होने में अभी बहुत दिन बाकी हैं। तो दोस्तों, आप आराम से इन एज कैटेगरी के ट्रायल दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंस अंडर 16 एज कैटेगरी के बारे में। मेंस अंडर 16 के ट्रायल 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच होंगे, और 21 जुलाई को जहां पर ये ट्रायल होंगे उनका वेन्यू आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और फिर इसके बाद अंडर 19 मेंस के ट्रायल 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच होंगे, और इन ट्रायल का वेन्यू भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और फिर अंडर 23 के ट्रायल 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई को होंगे, और इन सभी ट्रायल का वेन्यू आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नागालैंड के इन सभी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आप ये ट्रायल दे सकते हैं। और फिर सीनियर मेंस के ट्रायल 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त के बीच चलेंगे, जिनका वेन्यू भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप नागालैंड से बिलोंग करते हो और किसी भी एज कैटेगरी से ट्रायल देना चाहते हो, तो आप इन वेन्यू पर जाकर और BCCI का रजिस्ट्रेशन करके ये ट्रायल दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।